वेलकम टू प्रॉपर्टी 105। 3 मरला ट्रिपल स्टोरी बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन फुली फर्निश्ड घर हमारे पास फॉर सेल है। लोकेशन बड़ी हॉट है, बड़ी ज़बरदस्त सोसाइटी ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी में। इस सामने जो आप कट देख रहे हैं जी, इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ आपको थोड़ी सी लोकेशन क्लियर करने के लिए। ये ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पर कमर्शियल आपको सारा नज़र आएगा, ये प्लाजा भी बन रहा है। सामने आपको नज़र आएगा जी, ये बाबर ब्लॉक है। इस सोसाइटी की 2 एंट्रेंस हैं, एक बाबर ब्लॉक से और एक मुगल ब्लॉक से। मुगल ब्लॉक से ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप एंट्रेंस आएंगे, ये जो आपको कट नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल सामने आपको वो घर नज़र आएगा। ये कट है जी, और ये देखें सामने टक्कर पे आपको एक घर मिलेगा, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी रीज़नेबल प्राइस में और बड़ा खूबसूरत ट्रिपल स्टोरी ये घर है। 3 मंजिला ये घर है और फुली फर्निश, बड़ा अच्छे तरीके से इसका मैप बना है। गलियाँ आप देखें बिल्कुल साफ सुथरी हैं, कारपेटेड रोड हैं, आसपास आबादी मौजूद है, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, हर चीज़ इसकी बहुत बेहतरीन है। घर का जी आपको मैं विज़िट स्टार्ट करवाता हूँ। इसका आप सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन देखें, बहुत खूबसूरत बड़ा ज़बरदस्त आपको फ्रंट एलिवेशन मिलता है। वायरिंग इसकी अंडरग्राउंड है और सामने ये आपको मीटर नज़र आ रहा है। इसका मैं आपको स्टार्टिंग में बताता चलूँ कि कुछ इसका पेंट का जो वर्क है उसकी फिनिशिंग चल रही है और एक रीलिंग इसकी लगनी है। ये 2 काम इसके बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे हैं, वो हम आपको कंप्लीट कर कर देंगे। ये जो आपको सीढ़ी वगैरह नज़र आ रही है ये बिल्कुल एंडिंग पे काम है, ये फिनिशिंग इसकी चल रही है, फिनिश करके आपको दिया जाएगा। ये जी आपको पहले यहाँ पे वॉशरूम मिल जाता है स्टार्टिंग में, और ये आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं, छोटी गाड़ी का गिराज है, यहाँ पर छोटी गाड़ी खड़ी हो सकती है। स्टेयर्स ये देख रहे हैं, इसके साइड पर भी रीलिंग लगनी है। ये आपको मिल जाता है जी ड्राइंग रूम। सीलिंग ऊपर आप देख सकते हैं, बड़ी बेहतरीन, बड़ी खूबसूरत सीलिंग है। निशें आप देखें, यहाँ पे आप इसको एज ए LED वॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है, यहाँ पे अभी शीशा भी लगेगा, मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। आप मार्बल देख सकते हैं, वाइट कलर का मार्बल छत पे, सीलिंग बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत सीलिंग यहाँ पे लगाई गई है। ये जी एंट्रेंस है, यहाँ पे आपको मैंने बताया छोटी गाड़ी का गैराज है। ये स्टेज ऊपर को जा रही है, यहाँ पे अभी रीलिंग लगनी है, और ये किचन है और ये बेडरूम है। बेडरूम जी सबसे पहले मैं आपको इसका दिखाता हूँ। दोनों घर को बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसकी सीलिंग हर चीज़ काम हो गया है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि कुछ एंडिंग वर्क चल रहा है, वो जल्द से जल्द इसका कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इसको परचेज़ करेंगे तो हम आपको काम कंप्लीट करके देंगे। बेडरूम के अंदर जी अब आपको लेके चलता हूँ, ये इसका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है विद अटैच बाथ। ही आपको वेंटिलेशन मिलेगी, यहाँ पर ठंडे और पानी गर्म की वायरिंग की गई है। ये आपको 3 पलों वाली वॉलड्रॉप मिल जाती है, और ऊपर आपको बहुत बेहतरीन और ख़ूबसूरत और डिसेंट सीलिंग मिल जाती है। ये आपको टीवी लाउंज था, टीवी लाउंज से मैं अंदर लेकर आया हूँ बेडरूम में। नीचे आप मार्बल देख सकते हैं, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत मार्बल है। छोटी फैमिली के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, बड़ी फैमिली के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ट्रिपल स्टोरी है। उसके बाद ये वॉशरूम आपको मिल जाता है, यहाँ पर टाइल पत्थर लगा हुआ है, और टाइल पत्थर का यहाँ पर काम किया गया है, बड़ा ज़बरदस्त। वॉशरूम के अंदर टाइल पत्थर का काम करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो डोर्स वगैरह देख रहे हैं इस पर पेंट वर्क हो रहा है, होपफुली सिर्फ चंद दिन के अंदर, 2 या 4 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये किचन है, किचन का सारा वर्क कंप्लीट हो गया, ये सिर्फ ऊपर सामान है। यहाँ पे चूल्हा आ जाएगा, ऊपर सीलिंग लग गई है, और आप वॉलड्रॉप देख सकते हैं इसके बड़े खूबसूरत बनाए, नीचे पत्थर है। ये फ्रिज के लिए जगह छोड़ी गई है, यहाँ पर आ जाएगी जी आपकी फ्रिज। आपने छोटी फ्रिज रखनी है, बड़ी फ्रिज रखनी है, उसका लिए जगह छोड़ दी गई है। ये आप देख सकते हैं जी, ये टीवी लाउंज है आपका, और ये आपका आ जाता है ड्राइंग रूम, लिविंग एरिया भी आप कह सकते हैं। ये आपका सामने रोड देखें, बड़ा खूबसूरत और बड़ा बेहतरीन रोड है, और बाहर भी आपको ये निशे नज़र आएंगी। ये जी इसकी सेपरेट स्टेयर्स रखी गई हैं, आप ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट करना चाहें तो रेंट आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो रीलिंग है वो ऑर्डर कर दी हुई है, रीलिंग इसकी जल्द से जल्द यहाँ पे लग जाएगी। दोबारा से बता रहा हूँ, जो काम इसका थोड़ा बहुत होने वाला है जब आप घर परचेज करेंगे, वो हम आपको इसका काम कम्प्लीट करवा के देंगे। फर्स्ट फ्लोर का जी आपको एक किचन मिल जाता है, ओपन किचन है, और साथ आपको ये खिड़की के पास वेंटिलेशन इसकी मिल जाती है। ये आपको नीचे से मैं लेके आया, यहाँ पर आपको बताया रीलिंग लगनी है, और 2 बेडरूम आपको ये नज़र आ रहे हैं। नीचे 1 बेडरूम था, ऊपर ये 2 बेडरूम आ गए, और अब आपको यहाँ पे आपको 3 बेडरूम नज़र आएंगे। ये जो है आपको दूसरा और तीसरा बेडरूम नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपको दूसरे बेडरूम में देख के जाता हूँ। इसके तीसरे बेडरूम में भी काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। दूसरा बेडरूम आप देख लें जी, सामने आपको अटैच बाथ नज़र आता है, और बड़ा हवादार और बड़ा जो सा ज़बरदस्त किस्म का अच्छे व्यू के साथ आपको ग्रीनरी पीछे नज़र आएगी। ये इसका जी वॉशरूम है, टाइल और फ्लोरिंग का और पत्थर का काम आप चेक कर सकते हैं, बड़ा बेहतरीन, बड़ा खूबसूरत किया गया है। एग्जॉस्ट का ऑप्शन भी दिया गया है, और यहाँ पे आपको सीट की ऑप्शन मिल जाती है। ये देखिए जी, 3 पलों वाली वॉलड्रॉप आपको यहाँ पे मिल जाती है, और ऊपर बेहतरीन
आपको कहाँ मिलता है सीलिंग का। नीचे आप पत्थर देख सकते हैं, बड़ा प्यारा पत्थर रखा गया है और यहाँ पर भी आपको प्रॉपर जोन सा है वर्कआउट किया लिया गया है। इसके साथ वाला कमरा बिल्कुल इसी तरह ही तैयार होगा। यहाँ पर इसकी रीलिंग लगेगी, ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है इसके, या साथ वाला कमरा बिल्कुल इसी तरह होगा। इसका पेंट वगैरह तकरीबन आज कंप्लीट हो गया है और फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ जब आप इस घर को परचेज़ करेंगे। थोड़ा सा आपको सोसाइटी का व्यू दिखाता हूँ जी, यहाँ से आप व्यू चेक करें। ये देखें, फुली कारपेटेड, बड़े प्यारे और सामने आपको प्रॉपर घर नज़र आ रहे हैं। और ये एंट्रेंस से पहला कट लेते ही आपको टक्कर पर घर मिलता है, ये कोई अंदर गलियों में जाके घर नहीं है। इसकी सबसे पहली खासियत है कि फ्रंट बड़ा है, उसके बाद आपको ट्रिपल स्टोरी मिलता है और स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। बड़ा हवादार किस्म का ये घर है, बड़ा एयर का यहाँ पे जो है वेंटिलेशन का बड़ा ख्याल रखा गया है। अच्छा जी, फर्स्ट फ्लोर मैंने दिखा दिए, तीन बेडरूम मैंने आपको दिखा दिए विद तीन अटैच बाथ बाव। उसके अलावा मैंने आपको दो किचन दिखा दिए, एक किचन नीचे और ऊपर ओपन किचन है। इसके बाद अब आपको मैं थर्ड फ्लोर पर लेके जा रहा हूँ जी। ये आपको साइड पर इसके मार्बल नज़र आएगा और यहाँ पर भी काम किया गया प्रॉपर टाइल वर्क का। ये आपको इसको थर्ड फ्लोर का बेडरूम मिल जाता है जी। इस घर का चौथा बेडरूम है ये देखें जी। यहाँ पर भी आप देखें अटैच बाथ और दिया गया, और साथ आपको वॉलड्रॉप भी प्रोवाइड की गई है। ये दो पल्लों वाली वॉलड्रॉप आपको यहाँ मिल जाती है, बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत वॉलड्रॉप है, साथ अटैच बाथ मिल जाता है। यहाँ पर आपको सीट के ऑप्शन मिल जाती है। आपको जो इन बाथरूम मैंने सीट का ऑप्शन दिखाई है, इसके अलावा बाकी दो बाथरूम के अंदर सीट की और दो वॉशरूम के अंदर जो सा है आपको कमोड की ऑप्शन मिलेगी, और एक जो मेन पे आपको बाथरूम है वहाँ पर आपको सीट की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ से आपको दोबारा व्यू दिखाता हूँ, ये चेक करें जी व्यू। ये मुगल ब्लॉक बड़ा बेहतरीन और वेल डेवलप ब्लॉक है, साथ ही आपको पार्क कमर्शियल सब कुछ इसके नज़दीक ही मिल जाता है। बड़ा ज़बरदस्त सोसाइटी है। इस सोसाइटी का आप मुकम्मल विजिट भी अगर करना चाहें तो लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी जो बिल्कुल आप कह लें कि मेन GT रोड के बिल्कुल पास है, ओरिजिनल ट्रेन के बिल्कुल पास है, वहाँ पर आपको मिलती हैं। छत की आप दीवारें देखें जी, बिल्कुल ऊंची ऊंची रखी गई हैं ताकि किसी किस्म का अगर कोई बच्चे भी आएँ तो उनके लिए कोई यहाँ पे ख़तरनाक काम ना हो। ये देखें बड़ा खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर इस टाइम बहुत हवा यहाँ पर चल रही है, यानी हवादार कमरे हैं। छत जो सी है उसके ऊपर आपको टैंकी इंस्टॉल मिलेगी और ठंडे पानी गर्म और ठंडे पानी की जो वायरिंग है वो आपको मिल जाएगी। और ये देखें साथ ही आपको प्रॉपर आबादी मिल जाती है। ये सारे के सारे, ये दो प्लॉट यहाँ पे खाली हैं, आगे प्रॉपर सारी की सारी आबादी है। इसके लेफ्ट और राइट साइड पर जो खाली प्लॉट है वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है। ये नीचे भी यहाँ पत्थर लगा हुआ है। अच्छा जी, ये था जी इसका थर्ड फ्लोर। सारे घर का मैंने आपको विजिट करवा दिया है। आप विजिट करना चाहें, इस घर को परचेज़ करना चाहें, नंबर आपके सामने शो हो रहा है जी, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी मेन GT रोड के बिल्कुल पास, नियर ऑरेंज लाइन ट्रेन गुजरा स्टेशन के पास ये सोसाइटी लोकेट करती है। 1,15,00,000 इसकी डिमांड है, 1,15,00,000 रुपए इसकी डिमांड है, जो बिल्कुल लिटिल बिट जोन्स ये नेगोशिएबल है। उसके बाद जी ये आपको इसका मज़ीद कोई विजिट करना चाहें फिज़िकल तो आप कर सकते हैं। काम आपको मैंने इसका बताया जो पेंडिंग में इस टाइम मौजूद है वो बिल्कुल चंद दिनों के अंदर ख़त्म होने वाला है। आप जब ये घर परचेज़ करेंगे जो इसको होने वाला काम है वो हम आपको कर देंगे, कम्प्लीट करके देंगे, रेडी फॉर लिविंग है जी। और सोसाइटी बड़ी सेफ़ एंड बड़ी सिक्योर और बड़ी ज़बरदस्त और सुकून वाली सोसाइटी है। छोटी गाड़ी जो सी है आल्टो मेहरान या फिर आप वैगनर जो सी है वो यहाँ पे खड़ी हो सकती है। और ये अगर आप रेंट आउट करना चाहें ऊपर वाला पोर्शन वो भी आप कर सकते हैं। 1,15,00,000 रुपया जी इसकी बड़ी रीज़नेबल डिमांड है। इस घर को परचेज़ करने के लिए आप दिए गए नंबर पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और विज़िट करना चाहें तो उसके लिए भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।